कटनी में पुलिस की बर्बरता पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। घटना पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, गुंडिज्म करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना कार्यकर्ता को है, ना ही जनता को है और ना ही पुलिस को है। तो स्वभाव में नौजवानों ने उत्तेजना में कोई कुछ कह दे इसको लेकर आगाह करना चाहिए। कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि पुलिस जो है आपसी विवाद में भिड़ गई थी कार्यकर्ताओं से, और इसी को लेकर अब वीडी शर्मा ने बयान दिया है। उनका कहना है कि गुंडागर्दी करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, ना ही कार्यकर्ता को है और ना ही जनता को है। गुंडिज्म करने का अधिकार न किसी कार्यकर्ता को है, न किसी व्यक्ति को है, लेकिन पुलिस को भी नहीं है। इसलिए किसी को रोक करके सामान्य किसी विद्यार्थी पर अगर पुलिस भी कोई इस प्रकार से बात करेगी तो वो भी नहीं चलेगा, और कोई कार्यकर्ता या कोई भी सामान्य व्यक्ति भी करेगा तो वो भी नहीं चलेगा। और स्वभाव में, व्यवहार में, नौजवानों में कभी कोई उत्तेजना में कुछ कह दे तो इसको फिर भी तत्काल संज्ञान में लेकर के ऐसी बातों पर उस कार्यकर्ता को भी आगाह किया जाता है और हम करते हैं। इस खबर पर मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, इस तरीके के जब बयान सामने आए तो उसे ये समझा जा सकता है कि प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं सख्ती दिखा रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा, क्योंकि बार बार सवाल उठते हैं जब भी गुंडागर्दी का मामला सामने आता है तो सवाल उठते हैं कि प्रशासन से क्यों ढिलाई हो रही है। तो क्या ये इससे समझा जाए कि एक तरीके से यहाँ पर प्रशासन को सख्त होने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन सख्त है तभी कल उन दो से तीन युवकों को उठाया गया और बाद में पता चला कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। पुलिस और उन दोनों के बीच में काफ़ी नोकझोंक हुई और मध्य प्रदेश में ये बात अब सुर्खियों में आ गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इस तरीके की करतूत करता है तो पूरी पार्टी पर सवाल उठते हैं। और ठीक इसी मुद्दे को लेकर विष्णुदत्त शर्मा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि पुलिस को भी इस तरीके का कृत्य करने का अधिकार नहीं है, यानी कि पुलिस पर ही लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का आरोप भी विष्णुदत्त शर्मा ने लगाया है। और ये कहा कि अगर कोई तैश में आके का कोई बात कह दे तो उसको उस तरीके की सजा नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि युवकों पे एफआईआर पुलिस ने कर दी है। विवेक, यही समझा जाए कि बीजेपी का रुख एकदम साफ है कि अगर कोई भी गुंडागर्दी करता है, कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।